राहुल गांधी के स्वागत के लिए लोग आग जला करके, मशाल जला करके वो यहाँ पर खड़े होके स्वागत कर रहे हैं मशाल से। ये देखिए आगे भी है, मशाल हाथों में लेकर के राहुल गांधी का लोग स्वागत कर रहे हैं। यू आर वेलकमिंग राहुल गांधी। देखिए यस बोल रहे हैं। सो यू आर वेलकमिंग राहुल गांधी, आर यू वेलकमिंग? सो दिस इज योर कल्चर? हाँ जी, हाँ जी, हमारे कल्चर है ये। तो आप राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं? वेलकम करने का तरीका, वेलकम कर, उनको रास्ता दिखा रहे हैं अंधेरा में। अच्छा, तो ये कौन सा गांव है, कौन सी जगह है ये? ये टुली है सर। टुली है ये? तो आज की यात्रा यहाँ पर टुली में खत्म हो रही है। और देखिए, जब टुली में यात्रा खत्म हो रही है तो उस वक्त में आप लोग कॉमन मैन है या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कैसे हैं? कॉमन मैन है आप? तो आप कोई लीडर, जब भी कोई भी लीडर आता है तो आपके ऐसे ही आप उसका वेलकम करते हैं? पहली बार आया है सर। राहुल जी, राहुल जी पहली बार आए हैं इसलिए उनका स्वागत कर रहे हैं आप? तो ये सब टुली के सब लोग ऐसे ही खड़े हैं क्या? तो क्या स्पेशल है टुली का आपके इधर? टुली का स्पेशल क्या है? वेदर स्पेशल है, यहाँ का लोग स्पेशल है। अच्छा, सड़क, हम लोग आ रहे हैं अभी, सड़क बहुत खराब है। हाँ, वो तो सही बात है। तो ऐसा ही है सड़क? ऐसी है सर, अपने अपने तो ठीक लिया होगा सर। तो ये राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं, आप ही देखिए। और बुजुर्ग हैं ये, देखिए आप, बुजुर्ग हैं। और यहाँ पे जो है वो शाम जो है बहुत जल्दी हो जाती है। देखिए 5 बजे हैं और ये आप तस्वीर देखिए। तो टुली के अंदर राहुल गांधी का इस तरह से स्वागत किया गया है। देखिए मशाल लेकर के सब लोग टुली में यहाँ पर बाहर आए। और देखिए आप, ये थोड़ा स्लो चलेंगे हम लोग। आर यू वेलकमिंग राहुल गांधी? यस 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 राहुल, राहुल, कम 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 कम, प्लीज कम, राहुल राहुल राहुल, कम प्लीज राहुल। सो व्हाट यू विल से अबाउट राहुल गांधी? यू पीपल लव राहुल गांधी आई थिंक? So I think you people love Rahul Gandhi. No, we love Rahul Gandhi. हाँ। तो क्या लाऊँ कहाँ? चुंग। नहीं इसमें हो। चुबा ले, रोटी पियाँ आएगा ना। So अभी आप कितनी देर से वेट कर रहे हैं? थोड़ा हिंदी बोल पाएंगे आप लोग या मैं इंग्लिश में बात करूँ? हाँ यस सर। अभी कितनी देर से आप लोग वेट कर रहे हैं? We have been waiting for more than 2 hours now. 2 hours. Waiting for Rahul Gandhi. Yes. So ये बिल्कुल अनोखा तरीका है। और देखिए लोग जो है, ठंड है यहाँ पर बहुत, काफ़ी ठंड है, लेकिन लोग जो है छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आए हैं और ये वीडियो बना रहे हैं राहुल गांधी की। ये वीडियो तो राहुल गांधी ने हेलो किया आपको? बिल्कुल। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे इस तरह से मशाल जला करके राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। ये अनोखा है अपने आप में कि लोग इस तरह से जो है वो किसी नेता का स्वागत करें। ये किस चीज़ की लकड़ी है? लकड़ी किस चीज़ का ही है? बेम्बू है, बेम्बू। बेम्बू? अच्छा, बांस, बांस जला करके, ये बांस जला करके ये इस तरह से स्वागत कर रहे हैं। तो आपका ये कल्चर है ऐसे करना? हाँ कल्चर। अच्छा, अभी कितनी देर हो गई आपको इधर वेट करते हुए? हम लोग यहाँ में सुबह से वेट करते हैं। सुबह से, क्योंकि शाम को आएंगे वो? कहीं भी नहीं गया, यहाँ में सुबह से रखता है राहुल के लिए। सुबह से आप कहीं नहीं गए? हाँ।
तो आप कांग्रेस वर्कर हैं? यस कांग्रेस वर्कर हैं आप। क्या नाम है आपका? असल्ला। अच्छा ये आपका कौन सा घर है? घर मकान कौन सा आपका? हाउस? दिस इज योर विलेज? सॉरी हाउस। तो देखिए ये टूले के अंदर, और ये मैं आपको पीछे भी दिखाता हूँ, बड़ी संख्या में लोग जो है वो राहुल गांधी का यहाँ पर स्वागत करने के लिए आए। और बहुत खराब रोड था, बहुत खराब रोड था, इतना खराब रोड कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी की आज नागालैंड में चौथे दिन की यात्रा, टुली ये जगह है जहां पर यात्रा आज समाप्त हुई है। और इस वक्त समय जो है वो ज्यादा नहीं हुआ है, समय केवल 5 बजे है, लेकिन बिल्कुल अंधेरा गुप। यहां पर सुबह 5 बजे दिन तकरीबन निकल जाता है और रात शाम को 5 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। और लेकिन ये आप देखिए बांस का ये बैम्बू जो है ऐसे लेकर के इसका मसाल जलाया जा रहा है और ऐसे जो है वो लोगों ने यहाँ पे स्वागत किया है। आबादी कम है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन जो भी है वो लोग सड़कों पर निकल करके आए और निकल करके आकर के मशाल जलाकर उन्होंने यहाँ पर राहुल गांधी का स्वागत किया है। तो क्या क्यों आप लोग ये लेकर के आए हैं, क्या कहना चाहते हो? अभी लेट लाइट नहीं ना, इसलिए ये होता है मुसाल चलाता है। ये कल्चर है आपका इस तरह से मशाल जलाना? ओहो ये कल्चर है, कल्चर। देखिए मेरे जो है हाथ पर एक पतंगा आ गया। हाँ तो ये कल्चर है आप लोगों को ऐसे करना? ट्रेडिशनल वैसे वेलकम कर रहे हैं हम लोग, ये ना ये ट्रेडिशनल वेलकम करने का तरीका है, तरीका ये। हम लोग रात में फोर फोर्स टाइम से ना ये वेलकम कर रहे हैं हम लोग राहुल जी का आने का इंतजार करने के लिए ना। तो ये पुराने टाइम पर जो है वो पहले के टाइम पर ऐसे ऐसे किया? पुराने नहीं, पहले के टाइम पर। हाँ फोर फॉरस्ट टाइम से ये वाला ऐसे चलाते रहा, क्योंकि उस टाइम में बिजली नहीं था और रात में दिन में जो कोई दिक्कत होने से तो हम लोग ये वाला लेन चला गया। हाँ। और भराज महीने से हम लोग ये चला गया, हम लोग वेलकम करते हैं। अच्छा तो क्या सोचते हैं आप राहुल गांधी के बारे में? हम लोग राहुल गांधी के लिए तो बहुत अच्छा है, और क्या बोलेगा, हम लोग का पिताजी ग्रैंड फादर टाइम से हम लोग राहुल गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी है वो लोग का टाइम से हम लोग सपोर्ट करके आ रहे हैं, उन लोग का अच्छा काम देख के हम लोग। और अभी भी हम लोग का पिताजी ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर उसका थोड़ा आगे जाइए। हाँ हाँ इंदिरा गांधी आज से वो लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं राहुल से मिलने के लिए। तो आप इनसे एक मिनट थोड़ा आप आगे आएंगे, इनसे थोड़े मेरी बात कराइए कि इससे पहले किस बड़े नेता से, किस किस बड़े नेता से मिल देखा है या मिले हैं? इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी देखा है, और फिर राजीव गांधी, राहुल। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, ढेबीबिल्क सब आमी जाना, और प्रथम आमी टका लगे बचपन से वो राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, उसका पहले से महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सबको देखा है। बहुत कुछ पाया से ईश्वर आशीर्वाद करा आम लोग पब्लिक बिल्कुल मन तो सीता सीता हुए सीता काम लगे जो मानूम कौन बाली जाओ दाकन। चलिए 100 साल की उम्र है, और 100 साल की उम्र में हम लोग पता नहीं इस तरह से बैठ भी पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, और ये तो धारदार बोले जा रहे हैं। वो बात अलग है कि कई बार जो है वो आदमी की यादाश्त एक उम्र के बाद में जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, या चीज़ों को जो है वो आपस में घोलमेल कर देते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बचपन से देखते रहे हैं, मतलब कि अब इनके भाव को आप समझिए, क्योंकि इतनी उम्र के व्यक्ति के साथ में आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि इतनी उम्र का व्यक्ति जो बिल्कुल सही सही सारी बातों को बताए। 98 यानी तकरीबन 100 साल की उम्र, और 100 साल की उम्र में भी ये लोग यहाँ पर बैठ करके यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। और कितनी देर से इंतज़ार किया आप लोगों ने? सुबह से हाँ सुबह से, लेकिन ये तो पता होगा कि शाम को जो है आपका शाम को जो आएगा उस टाइम में, लेकिन सुबह से वो राहुल आने का सुन के बहुत खुशी से उस घर में बैठ नहीं सकते हैं, फिर शाम को लेके आया उसको यहाँ में बिठा दिया, फिर राहुल जी आ गए। तो मुलाकात हुई आप लोगों की? हाँ हो गया, हो गया राहुल जी से मुलाकात हो गई। हुआ अच्छा सलमु आगे राहुल जी ने सब लोग को हैंडशेक करके 87। अच्छा देखिए ये जो है वो एक देखो थोड़ा पीछे करिए,
ये एक जो है वो ईमानदारी होती है। काफ़ी देर में उनको याद आया, करीब एक मिनट पहले मैंने उनसे पूछा था कि आपकी एज क्या है, और काफ़ी देर तक इन्होंने याद किया, और उसके बाद में अब बता रहे हैं कि 87 है। मैंने इनसे पहले पूछा एज, और फिर उसके बाद में याद किया, अब आपको याद आ गया। तो अभी आप एक साल जो है वो और ज्यादा उम्र दराज नहीं है, अभी तो जवान एक साल है। आप बोलिए ना, आप बोलिए उनको। तो आपका 87 में ऐसा ही रहेगा हेल्थ? नहीं होगा। अच्छा, आपको पता नहीं। तो अभी मौजूदा समय में जैसे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए हम लोग, राहुल चाहिए। क्यों क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? ये ऐसी पोस्टपोन से हम लोग राहुल इंदिरा राजीव उसका साथ में ही रहा था हम लोग, इसलिए ये मोदी अच्छा नहीं लगता है। ऐसी बात है, ऐसी बात है, कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग। आप क्या कहती है नरेंद्र मोदी जी के बारे में? माफ कीजिए, हम लोग तो जन्म से ही इंदिरा गांधी का फेवरेट है, इसलिए उसका बच्चा बच्चा सब कांग्रेस ही अच्छा लगता है। माँ बाप ना पहले से उन लोग इंदिरा गांधी के साथ था, तो हम लोग अभी भी कांग्रेस में ही सपोर्ट है, इसलिए हम लोग ने लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो तकरीबन जो है वो कई ऐसी सीटें रही, जैसे कि अमेठी के अंदर राहुल गांधी की सीट रही, तो वहाँ पर भी लोग जो है कांग्रेस को वोट देते रहे, लेकिन वहाँ पर भी हार गए। लेकिन हम लोग नागालैंड में तो कांग्रेस ही अच्छा लगता है हम लोग। नरेंद्र मोदी का अच्छा भी नहीं बोलेगा, कर भी नहीं बोलेगा, लेकिन नागालैंड में तो राहुल ही अच्छा लगता है हम लोग, राहुल ही अच्छा लगता है। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का ना खराब बोलेंगे ना अच्छा बोलेंगे, लेकिन राहुल अच्छा है, इस बात को कह रहे हैं है? क्या करते हैं आप? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ कुछ नहीं कर रहे। तो क्या चाहते हैं देश, अभी जो है वो इलेक्शन में जो है वो देश चला जाएगा। आप आइए आइए आइए, एक मिनट, कोई नहीं कोई नहीं, हम थोड़ी ऐसी बात कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जो 2024 के बाद में देश के नए प्रधानमंत्री आए, एक मिनट सुनिए ना। हाँ, वो भैया कहाँ गए? हाँ आइए जरा पीछे आइए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ इनसे, आप ये पूछिए कि 2024 के बाद में जो नई सरकार बनेगी, चाहे उसमें नरेंद्र मोदी दोबारा से बने चाहे राहुल गांधी बने, तो क्या चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री क्या काम करें, नागालैंड के लिए क्या करें, और अभी अगर सरकार है मोदी जी की तो क्या चाहते हैं कि क्या करें नरेंद्र मोदी? इलेक्शन चेंजेस मोदी आदवांग राहुल आदवांग कुछ नागालैंड के लिए क्या करें? नागालैंड आदमा कुछ नागालैंड आदमा बोली हिंदी थोड़ा बोलिए। हम लोग चेंजेस ही लगे नागालैंड का, चेंजेस चाहिए, चेंज चाहिए, लेकिन आप नागालैंड के लिए क्या चाहते हैं? करप्शन नहीं ज्यादा है, चेंजेस सब सब शांति में रहना चाहिए ना, वही चाहिए। अभी शांति नहीं है, डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट। रास्ता भी इतना खराब है नागालैंड का, तो हम लोग तो रास्ता अच्छा रोड ना वो अच्छा लग होना चाहिए, सबसे खराब तो नागालैंड का है रोड। नरेंद्र मोदी सरकार बीजेपी बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या है हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन के लिए बहुत टिकट चल रहा है। ये हिंदुस्तान में क्रिश्चियन हो सिख हो मुस्लिम हो हिंदू, उसके लिए भूलना भी नहीं चाहिए, पकड़ना भी कोई जरूर नहीं। हिंदुस्तान जो बहुत बढ़िया होना चाहिए। अभी सुंदर न्यूज़ में हर रोज हम लोग भारत चाइना 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 से हम लोग पास हो गया, अभी तो हिंदुस्तान समझते हैं। मैं भी दिल्ली में बैठ के आने वाला आदमी आऊँ, मैं 9 साल बैठ के आने वाला आदमी आऊँ, मैं हिंदी अच्छा से बोल सकता है, समझ में भी आता हूँ। आप दिल्ली कितने टाइम रहे हैं? 2020 हाँ दिल्ली रहे आप? हाँ दिल्ली के। कितने साल तक? 9 साल नौ साल हाँ 9 साल। भारत में
हर मोदी भी जो करना करने दो, मोदी राहुल गांधी करने दो, सिख क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू उसके लिए पार्टनर होना चाहिए। अमेरिका में जो सबसे बड़ा देश में अमेरिका है, उसने भी नरेंद्र मोदी को कल ही दे दिया कि ले आप चाँद के लिए आप पत काटा है। देखिए इधर में एक मिनट रुकिए, मैं फिर लंबी बात हो जाएगी, मैं भी याद नहीं रख पाऊंगा। ये कह रहे हैं कि मैं हिंदी भी समझता हूँ, 9 साल दिल्ली में भी रहा हूँ, और दूसरी बड़ी बात ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ठीक है, अच्छा सरकार है, लेकिन मुस्लिमों के लिए, क्रिश्चनों के लिए और सिखों के लिए, उनके लिए जो है वो सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, और इस बात को लेकर के अमेरिका ने भी नरेंद्र मोदी को बोला है, गाली दी दिया। ये गाली कह रहे हैं, लेकिन मैं गाली नहीं कहूंगा कि वो उन्होंने, अमेरिका ने भी इस बात को लेकर के नरेंद्र मोदी जी को बोला है कि आप, और ये एक फैक्ट है, एक ह्यूमन वॉच रिपोर्ट जो है एक निकल करके सामने आई, और उस रिपोर्ट में अभी कुछ दिन पहले मैंने उस पर खबर भी की थी, और उस खबर में कहा गया कि अमेरिका की तरफ, वो एक एजेंसी है उसकी तरफ से कहा गया कि भारत में अल्पसंख्यकों की हालत या धार्मिक आज़ादी वो ठीक नहीं है, उसके ऊपर सवाल जो खड़े किए गए थे, उस बात को जो है ये कह रहे हैं। अब सोचिए, जो बात हम समझते हैं कि गांव देहात तक या शहरों तक या दूर दराज के इलाकों तक नहीं पहुंच रही होगी, तो दिल्ली से इतनी दूर यहां पर नागालैंड में भी वो खबरें पहुंचती हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर राहुल गांधी का स्वागत किया है, राहुल के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए जो कुछ कहा है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।